जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इसमें, ये है ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है पहले इसको समझेंगे। जैसे हमने ग्रुपोइड एक कोई नॉन इम्पटी सेट लिया था जी, और मैंने कहा था अगर ये जी नॉन इम्पटी सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन, वो जो है इस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन है इस जी पर, तो ये जो है बनता था ग्रुपोइड। उसके बाद अगर ये एसोसिएटिव हो जाए, इस पर एक प्रॉपर्टी और ऐड होती थी, तब हम इसको बोलते थे सेमी ग्रुप। और उसके बाद जो है अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता था, तब हम इसको बोलते थे मोनोइड। तो अब इसको जो है ग्रुप जो है, ये ग्रुपोइड या मोनोइड या सेमी ग्रुप कब ग्रुप बनता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर लेना है। मान लेते हैं, माना जी हमारे पास कोई ये नॉन इम्पटी सेट है, और ये इस पर जो है एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, वो इसको लिख देते हैं बाइनरी ऑपरेशन है, जैसा हमने पहले पढ़ा है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत अगर ये सेट कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई को होल्ड करे, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज और इसके अंतर्गत आ जाए, इसके साथ मतलब कुछ बातें और हों, तो ये सेट बन जाता है हमारा ग्रुप, या इस सेट को ही हम बोलते हैं ग्रुप। तो सबसे पहले होना चाहिए इसके लिए यही बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम जानते हैं, जी हमारे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है, तो ये होना चाहिए जी क्रॉस जी से जी पर जो है एक मैपिंग के रूप में डिफाइंड होना चाहिए, जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते थे, पहली कंडीशन। दूसरा, इसके बाद होना चाहिए ये एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को हमने समझा था, इसी जी के तीन एलिमेंट्स लेंगे हम इस सेट के अंतर्गत, ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी, इक्वल टू होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। इस प्रॉपर्टी को यहां तक भी हमने बात की थी, ये सेमी ग्रुप तक जो है इतनी बात हमारी हो चुकी थी। उसके बाद इस पर इसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक एलिमेंट्स जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी, इस एलिमेंट्स को मैं किसी भी एलिमेंट्स पर लेफ्ट या राइट से कहीं से भी ऑपरेट कराऊं तो मुझे वही एलिमेंट्स मिलना चाहिए, जैसे ई बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, या ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू ई होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज अगर कोई सेट होल्ड कर रहा था, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे मोनोइड होता है। अब ग्रुप बनने के लिए इसमें जो है एक कंडीशन और बढ़ जाती है, इस आइडेंटिटी के अलावा अगर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो हम बोल देते हैं कि ये सेट जो है ग्रुप बन जाता है या ग्रुप फॉर्म करता है। इनवर्स होता है, जैसे इनवर्स की डेफिनेशन होती है, माना ये भी हमने पढ़ चुका है इनवर्स क्या होता है, ए अगर ए को ए का इनवर्स बोलेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू मिलना चाहिए मुझे आइडेंटिटी, या ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी, कहीं से भी मैं इनवर्स इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत अगर किसी एलिमेंट्स को उसके इनवर्स के साथ में ऑपरेट करूंगा तो मिलना चाहिए मुझे आइडेंटिटी, चाहे मैं लेफ्ट साइड से ऑपरेट करूं या राइट साइड से ऑपरेट करूं इसको, तो दोनों कंडीशन में जो है हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ये होती है इनवर्स की डेफिनेशन, पहले भी हम इसको देख चुके हैं। तो इसको रिकॉल कर रहा हूं दोबारा, कोई भी सेट ग्रुप बनने के लिए, जी हमारे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है, और उस पर जो है एक बाइनरी ऑपरेशन के रूप में ये वो जिसको हम वो से दिखाते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होनी चाहिए, और इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत अगर ये सेट ये चार कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, तो हम इस सेट को ही बोल देते हैं ग्रुप, या इस सेट बन जाता है जो है ग्रुप। सबसे पहला, जी पर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होनी चाहिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए इसके हर एलिमेंट जो है, इसके जी का हर एलिमेंट जो है, या इस जी के हर एलिमेंट्स को इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए हर एलिमेंट्स के लिए, लिखा है मैंने फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। उसके बाद कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको मैं किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं या राइट से ऑपरेट करूं, वही एलिमेंट्स मिले, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ये है आइडेंटिटी की डेफिनेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स में अगर किसी भी एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट्स मिलना चाहिए। उसके बाद जो है हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, हम पहले भी इनवर्स की डेफिनेशन में देख चुके हैं। इसको जो है अगर किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलता है, तो ये बन जाता है हमारा ग्रुप। अब इसमें थोड़ा सा लगे हाथ यहीं पर इसको भी क्लियर कर लेते हैं, अगर ये जो है इस ग्रुप जी के सारे एलिमेंट्स एक और प्रॉपर्टी को होल्ड करें, जैसे
चार प्रॉपर्टियां हैं, पहला एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद हर एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इतना होने पर जो है कोई सेट बन जाता है ग्रुप। अगर ये चार बातें सेट के साथ होंगी तो हम सेट को बोल देंगे ये ग्रुप बन गया है। उसके बाद जो है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर ये कॉम्यूटेटिव और हो जाए, मतलब इस जी के दो एलिमेंट्स को हम लें, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू मुझे मिले बी बाइनरी ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब है प्रत्येक ए बी के लिए ये इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करें, मतलब ए को मैं बी ए ए बाइनरी ऑपरेशन बी ए को जो है बी के साथ ऑपरेट करूं या बी को ए के साथ ऑपरेट करूं, चीज जो है एक ही मिलनी चाहिए। तो इसको हम पहले ही पढ़ते आ चुके हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, जो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है उसी के लिए अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव हो जाए या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो हम बोल देंगे ये ग्रुप जो है एबिलियन ग्रुप है। कॉम्यूटेटिव होने पर एक कंडीशन और बन जाती है, अगर सेट किसी सेट के साथ ये पांचों कंडीशन होंगी तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे सेट जो है हमारा एबिलियन ग्रुप बन गया, या जो है ग्रुप जी जो है एबिलियन ग्रुप है। तो एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हमारे पास कोई नॉन इंपटी सेट होना चाहिए, ओ जो है उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होनी चाहिए। इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर ये सेट जी एसोसिएटिव है, उसके बाद जो है इस पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और हर एलिमेंट्स का जो है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे ये सेट जी जो है ग्रुप है। उसके बाद जो है अगर ये ग्रुप ये सेट जो है यही जी इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर दे तब हम बोलेंगे इसको जो है ये अबेलियन ग्रुप बन रहा है, इसको हम अबेलियन ग्रुप बोल देंगे। इसको मैं लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन को लेट जी जी बी एन नॉन इम्पटी सेट, सेट विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ देन जी ओ इज कॉल्ड कॉल्ड ग्रुप इफ जी सेटिस्फाई जी सेटिस्फाइड फॉलोइंग फॉलोइंग पोस्टुलेट्स नंबर वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव की डेफिनेशन लिखी थी मैंने, ये होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू आना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ये होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, ए बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। इस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे राइट से, वही एलिमेंट्स मिलना चाहिए हर एक के लिए, ये हो गया। उसके बाद इसके ऊपर लिख देता हूँ इनवर्स इनवर्स की डेफिनेशन थी ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई या ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए कॉमा ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर भी ये क्लियर है इनवर्स के लिए जो है चाहे ये लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से, और ये ए इनवर्स भी इसी जी का एलिमेंट्स होगा, ये हर एलिमेंट्स के लिए हर ए के लिए जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और इनवर्स को अगर ई से ऑपरेट करेंगे तो ये मिलेगा हमें आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये चार बातें होने पर सेट बन जाता है ग्रुप। इसके बाद जो है मैंने कहा था
अगर ये सेट जो है कॉम्यूटेटिव और हो जाए, इफ, यहां सीधे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे बोल रहा हूं मैं, इफ द सेट जी सेट जी होल्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अगर ये सेट जी जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे बोल दे रहा हूं, इफ ये दिस जी होल्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देन जी इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। तो ये अबेलियन ग्रुप के लिए जो है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए और होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे देन जी इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। तो ये था हमारा ग्रुप। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सबको। अब इसके बाद जो है इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे ग्रुपोइड के लिए मैंने लिया था नेचुरल नंबर का सेट, हमने देखा था प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए इस सेट के पास एन पर जो है कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो एन प्लस जो है ग्रुप हमारा नहीं बन पाएगा। ये केवल ग्रुपोइड होता है और सेमी ग्रुप होता है, मोनोइड भी ये नहीं बन पाया था। वैसे ही मैंने उसके बाद लिया था एन डॉट, एन बाइनरी ऑपरेशन और मल्टीप्लीकेशन लिया था यहाँ। तो इसमें हमने देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट वन एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं वन से कोई भी नेचुरल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो मुझे वही नंबर मिल रही थी, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। यहां जो है हमारा हम मुझे आइडेंटिटी मिल गया था और ये एन डॉट हमारा बन गया था मोनोइड। उसके बाद जो है मैंने कहा था ग्रुप बनने के लिए जो है इसमें हर एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये इस डेफिनेशन को, जैसे माना कोई नेचुरल नंबर लेते हैं और नेचुरल नंबर के ही सेट में क्या हर नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, इनवर्स की डेफिनेशन थी हमारी ए बाइनरी ऑपरेशन ए, सॉरी ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई, या ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। अब जी की जगह हमने यहां लिया है एन, तो देखेंगे हम यहां पर आइडेंटिटी डॉट के लिए थी वन, ये हम पहले निकाल चुके हैं, सेमी ग्रुप में भी हमने इतना किया था। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए क्या ऐसी प्रॉपर्टी से वन लेते हैं? अब वन को अगर मैं जो है वन के साथ ऑपरेट कराऊंगा तो मुझे मिलेगा वन, ये तो ठीक हो गया, वन जो है यहां पर सेल्फ इनवर्स हो गया। लेकिन अब मैंने लिखा फॉर एवरी ए बिलोंग टू एन, तो फॉर एवरी मतलब टू लेते हैं। क्या हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वन मिल जाए? अगर जो है मैं टू मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू लिखूं तो मुझे मिल जाएगा वन, बट वन बाई टू नॉट बिलोंग्स टू एन, मतलब ये वन बाई टू नेचुरल नंबर नहीं है। अतः नेचुरल नंबर के सेट में मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो है हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वन का करेगा, वन सेल्फ इनवर्स हो जाता है, आइडेंटिटी है, उसके अलावा जो है और किसी भी एलिमेंट्स का इनवर्स शायद एग्जिस्ट नहीं करेगा, वन टू थ्री कोई भी एलिमेंट्स हो, क्योंकि ये जो है वन बाई टू ये हमारी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए मोनोइड बना लेकिन जो है ग्रुप नहीं बन पाएगा। अब लेते हैं अगला एलिमेंट, अब इसके और एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला है इसमें जेड प्लस द सेट ऑफ इंटीजर, इसको कंसीडर करते हैं। जेड प्लस क्या होता है, क्या ये ग्रुप बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो समझते हैं।